बहुत पहले की बात है, राजनगर गांव में एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। सभी गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन वो चुड़ैल गांव की तरफ जा ही रही थी कि तभी रास्ते पर उसे एक स्मार्टफोन पड़ा हुआ मिला। वो उस फोन के पास जाकर उसे उठा लेती है। अरे ये क्या है, ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर वो चुड़ैल अनजाने में फोन का एक बटन दबाते ही सेल्फी कैमरा ऑन हो जाती है और उसकी फोटो उठ जाती है। अरे ये क्या, इसमें तो मेरी फोटो छप गई। ये तो बहुत मजेदार चीज है। अच्छा तो इसे ही लोग स्मार्टफोन कहते हैं। अब मेरे पास भी है स्मार्टफोन। एक काम करती हूँ, कुछ और फोटो ले लेती हूँ। फिर वो चुड़ैल अलग अलग पोज में खुद की बहुत सारी फोटो खींच लेती है। कितनी अच्छी दिखती हूँ मैं। अरे मैंने तो बहुत सारी फोटो ले लिया, अब इसका करूँ क्या। हाँ सुना है लोग अपनी फोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालता है। अब से मैं भी अपनी फोटो डालूंगी, मुझे भी बहुत सारी लाइक कमेंट मिलेगी और फैन फॉलोअर्स भी बढ़ जाएगी। तब चंपा चुड़ैल को भी लोग सेलिब्रिटी कहेंगे। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं ये सब कैसे करते हैं। इसके लिए मुझे किसी से सीखना पड़ेगा। ये सोचकर चुड़ैल गांव की तरफ चल पड़ती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। आजकल कोई भी बाहर नहीं दिखता है। सब फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। पहले लोग मुझसे कितना डरते थे और अब डराने के लिए कोई मिलता ही नहीं। फिर उसे एक बूढ़ा आदमी जाते हुए नजर आया। ए बुढ़े जरा सुन। अरे बाप रे, ये तो वही डरावनी चुड़ैल। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, जान बचाकर भागो। डर के मारे वो बुढ़ा वहां से भाग जाता है। अरे बुढ़े सुन, उफ ये तो मुझे देखकर ही भाग गया। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन रमेश शहर से काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। शाम हो गई थी, तभी एक लड़की उसे पीछे से बुलाती है। जरा सुनिए। अरे इतनी सुरीली आवाज में कौन बुला रही है मुझे, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं। जरा सुनिए ना, क्या आप मुझे थोड़ी मदद कर देंगे। तभी रमेश पीछे मुड़कर चौंक जाता है। अरे वाह, एक खूबसूरत लड़की मुझसे मदद मांग रही है। मैं तो कुछ और ही समझा था, अब तो इसे आसानी से पता लूंगी। हाँ हाँ जरूर बताइए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। जी एक फेसबुक अकाउंट खोलना है, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, आप मेरी मदद करेंगे। अरे ये तो बहुत आसान है, बस आपकी जीमेल आईडी से फेसबुक अकाउंट बनाना है। ये जीमेल आईडी क्या है, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। वाह रमेश, यही सही मौका है लड़की का फोन नंबर लेने का। अब चिंता मत करो, अपना फोन मुझे दे दो, मैं बना देता हूँ। फिर चुड़ैल अपना फोन रमेश को दे देता है। आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम चंपा है। chimpa@gmail.com, ये लीजिए आपका जीमेल अकाउंट हो गया। अब इसी आईडी से आपका फेसबुक अकाउंट खोलना है। फिर रमेश उसकी फेसबुक अकाउंट भी खोल देता है। मन ही मन में वो चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और अपने आप पर काबू खो बैठकर असली रूप में आ जाती है। अरे ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। चुड़ैल जी मुझे मत मारो। तुझे डरने की जरूरत नहीं, तूने मेरी मदद की है,
अब तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अगर मैं किसी और काम में बिजी रही तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज देना। इतना बोल के वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये चुड़ैल तो अच्छी निकली, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं तो खामोखा डर रहा था। खैर अब बहुत रात हो गई, मुझे जल्दी से घर पहुंचना पड़ेगा। एक दिन दो डाकू गांव के रास्ते से जा रहा था। अरे सरदार देखिए ये गांव कितना अच्छा है, लगता है यहाँ के लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। मुझे भी यही लग रहा है। तो आज रात लूटने आए यहाँ? बिल्कुल, शुभ काम में देर क्यों। जैसा सोच वैसा काम। उसी रात उस डाकू ने गांव वालों पर हमला किया। ए बुढ़े, तेरे पास जो भी है हमें दे दे। अरे डाकू जी, हम तो गरीब आदमी हैं, भला हमारे पास आपको देने के लिए क्या रहेगा। नाटक बंद कर, इतना शानदार घर है, बड़ा सा अलमारी है और कह रहा है कुछ नहीं है। अगर तेरी जान प्यारी है तो चुपचाप सब कुछ जल्दी से दे दे। सुनो जी, सोने से ज्यादा हमें हमारी जान प्यारी है, ये लोग जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो। बुढ़ी ने सही कहा, अब सोच मत, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। फिर डाकू ने उस घर से सोना लूटकर दूसरे घर की तरफ जाता है। अरे हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, डाकू ने हमारे घर से सब कुछ लूट लिया। अजी बाहर इतना शोरगोल क्यों हो रहा है? तुम चुप करो, मैं खिड़की से देखता हूँ। फिर रमेश ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, हमारे गांव में तो डाकू ने हमला कर दिया, सबके घर से लूट रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? थोड़ा बहुत सोने की गहने बना कर रखे थे, अब वो सब उस डाकू के हाथ लग जाएगा। अजी अब क्या करें हम। सुनो, तुम घर की बत्तियां बुझा दो ताकि बाहर से डाकू को लगे घर में कोई नहीं है। ए कालिया, क्या हमने सब घर लूट लिया? तब कालिया रमेश की घर को दिखाकर कहता है। जी सरदार, बस वो एक घर बाकी रह गया। अच्छा, तो फिर देर किस बात की, वो भी लूट लेते हैं। इधर रमेश खिड़की से देखता है कि वो डाकू उसके घर की तरफ आ रहा है। अरे अब तो डाकू हमारे घर की तरफ आ रहा है। दरवाजा खोल, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रमेश घर के अंदर चुपचाप खड़ा रहता है। ऐसे में एक डाकू खिड़की से अंदर देखता है। अरे सरदार, ये लोग अंदर छुप के बैठा है। दरवाजा खोल, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा, फिर तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। डाकू जी, हमारे पास कुछ नहीं है। देख का लिया, फिर से एक और नाटक। सरदार जी, दरवाजा तोड़ देते हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप दरवाजा खोल, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करूँ मैं? रमेश बहुत डर जाता है। तभी अचानक उसे चुड़ैल की बात याद आ गया। अरे हाँ, उस चुड़ैल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो मेरी मदद करेगी। फिर रमेश उस चुड़ैल को फोन करता है और चुड़ैल भी फोन उठाती है। हेलो चंपा चुड़ैल जी, मुझे बचाइए। कौन बोल रहा है तू? अरे मैं रमेश बोल रहा हूँ, कुछ ही दिन पहले आपका फेसबुक अकाउंट बना दिया था। अच्छा तो बोल क्या हुआ? चुड़ैल जी, कुछ डाकू ने हमारे गांव में हमला कर दिया, गांव वालों के घर से उनका सब कुछ लूट रहा है, अब वो डाकू मेरे घर के दरवाजा तोड़ रहे हैं, आप मेरी मदद करो। ठीक है, तू डर मत, मैं अभी आ रही हूँ। रमेश ने दरवाजा ना खोलने पर
वो डाकू उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। अरे डाकू के सरदार, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरा दोस्त चंपा चुड़ैल आपको नहीं छोड़ेगा। चुड़ैल तेरा दोस्त है? तू मुझे डरा रहा है एक चुड़ैल की धमकी देकर? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? आज तो तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाओ, अपने आप ही पता चल जाएगा। इतनी देर में चुड़ैल वहाँ पहुँचती है। चुड़ैल को सच में वहाँ देखकर दो डाकू हैरान हो जाता है। अरे सरदार, यहाँ तो सच में चुड़ैल आ गई, मैं भाग रहा हूँ, आप भी भाग लो। मुझसे भागकर कहाँ जाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे दोस्त को धमकी दे रहा है, आज ही तेरा आखिरी दिन है। ये बोलकर चुड़ैल उस डाकू के सरदार का गर्दन पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो, मैंने उसकी बात ना सुनकर गलती कर दी। इस गलती का सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, ताकि किसी और को तू ऐसे डरा ना सके। बहुत दिनों बाद किसी इंसान को खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। तभी रमेश बाहर आता है। कुछ गांव वाले भी ये सब देखकर वहां आ जाता है। चुड़ैल जी, शुक्रिया, मेरे कहने पर आप यहाँ आए मुझे बचाने। तूने भी तो मेरी मदद की थी, अब मुझे इस शैतान को मारकर उसका कर्ज चुकाना है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप अगर इसको मार देंगे तो गांव वालों की नजरों में आप बुरे बन जाओगे, इससे अच्छा है आप इसको हमारे हवाले कर दो, सुबह होते ही हम इसे पुलिस को पकड़ा देंगे। अगर तू यही चाहता है तो ठीक है, मैं इसे गांव वालों के हवाले कर रही हूँ। शादी की महीने चल रहा था। पूरे गांव की सेलिब्रिटी बनने के बाद चंपा को लोग अपनी घर की शादी में भी बुलाने लगे। खुश रहो दोनों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बहन, तुमने खाना ठीक से खाया तो है ना? शादी के चक्कर में मैं उस तरफ जा ही नहीं पाया। अरे धीरू भाई, आप परेशान मत हो, मैं तो बस दोनों को आशीर्वाद करने आई थी। अब आप भी शादी कर लो दीदी, और कितने दिन अकेले रहोगे? हाँ बहन, अब तुम भी अपनी पसंद की कोई लड़का देखकर शादी कर लो। शादी करने के लिए कोई प्यार करने वाला चाहिए, मुझसे भला कौन प्यार करेगा? बस आप लोगों का प्यार मिल रहा है, यही मेरे लिए काफी है। नहीं बहन, सबको जिंदगी में एक अपने की जरूरत है, जिनसे वो सुख दुख की बातें कर सके, अपनी पूरी जिंदगी बिता सके। अब ऐसा तो कोई मिला नहीं मुझे। खैर छोड़िए, आप लोग मेरे साथ हैं, यही बड़ी बात है। तुमने पूरे गांव के लिए कितना कुछ किया, अब हमें भी तो तुम्हारे भलाई के लिए सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी इसके बारे में। मैं भी चलता हूँ, बहुत रात हो गया, कल एक और फंक्शन में जाना है। अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। उफ, ऐसे रोज रोज शादियों में जाकर मैं तो थक गई हूँ, लेकिन क्या करें, सब इतने प्यार से बुलाते हैं कि मैं मना ही नहीं कर पाती हूँ। मैडम, आपको एक बात कहूँ? हाँ बोल। आप इतने शादियों में जा रहे हैं, लेकिन आप कब शादी करेंगी? हाँ, अब इस दुख की बात कैसे बताऊँ तुझे, जब तेरे जैसे इंसान थी तब किसी से प्यार हुआ था, लेकिन वो नालायक तो मुझे धोखा दे दिया। तब से प्यार नाम की चीज से मेरा मन ही उठ गया है। मैडम, एक काम करो, आप प्रेम बुक पे एक अकाउंट खोल लो। प्रेम बुक? फेसबुक तो पता है, अब ये प्रेम बुक क्या है? हाँ मैडम, यहाँ पे सब अपने पसंदीदा जीवन साथी ढूंढते हैं,
मैंने भी अपनी बीवी को वहीं से पटाया था। हाँ, अब मन की बात तुझे बता ही देती हूँ। शादी करने का शौक तो है मुझे, लेकिन इस बार भी अगर धोखा खा गई तो पता नहीं गांव वालों के सामने कैसे अपनी मुंह दिखाऊंगी। अरे मैडम, यहाँ पे अगर किसी को कोई पसंद आया तो दोनों एक दूसरे का नंबर देखकर कांटेक्ट करके मूवी देखने जाते हैं, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं और पता है गिफ्ट भी मिलता है। अच्छा, ऐसी बात है। फिर ये बता, तूने कैसे पटाया था? अब आपको क्या बताए, एक बार मैंने प्रेम बुक पर एक अकाउंट खोला था, तब मैं टैक्सी ड्राइवर था। फिर एक दिन देखा कि रास्ते पर एक मर्सिडीज खड़ा है, तो मैं उसके बगल में खड़े होकर एक अच्छा सा सेल्फी लिया और उसको प्रोफाइल पिक्चर कर दिया। फिर मुझे रिंकी मिली, उसके प्रोफाइल में लिखा था वो मॉडलिंग करती है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि मॉडलिंग नहीं, वो घर का काम करती है। खैर, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम दोनों खुश हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। घर पहुंचकर चंपा ड्राइवर मंटू की कही हुई बात सोच रही थी। क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ सब मेरी शादी की बात कर रहे हैं। एक बार मंटू की बात मान कर देखती हूँ। फिर चंपा उस ऐप पर अपना अकाउंट बना लेती है। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे हैंडसम लड़के हैं। मंटू ने सही कहा था, अगर इनमें से कोई मुझे पसंद कर लिया तो मैं भी उसके साथ सिनेमा देखूंगी, घूमने जाऊंगी, 5-star रेस्टोरेंट में खाऊंगी, फिर वो मुझे गिफ्ट देगा और मेरे शादी की शौक भी पूरी हो जाएगी। ये सब सोच के ही मेरा मन खुश हो गया। जल्दी से एक पिक्चर सेट कर लेती हूँ। अगर मैं अपनी असली फोटो दूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ये सब कर रही हूँ, और इस रूप में कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। कुछ और फोटो देनी पड़ेगी ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। ऐसा बोलकर वो अपनी भेस बदल के फोटो खींचती है। ये अच्छा है, इसको सेट करूंगी, फिर तो मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगा। उफ। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, लेकिन चंपा को कोई कॉल नहीं आया। दुखी होकर उसने कहा, इतने दिन हो गए, किसी ने भी मुझे कॉल नहीं किया, कोई मुझे पसंद नहीं करता। लगता है अब ये जिंदगी मुझे अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। उसी वक्त उसके पास एक फोन आती है। हेलो, क्या मेरी बात कावेरी जी से हो रहा है? ये सुनकर चंपा बहुत खुश हो जाती है। जी, मैं ही कावेरी हूँ, बोलिए। मैं राघव, मैंने आपकी प्रोफाइल प्रेम बुक पर देखा, मुझे आप बहुत अच्छी लगी, क्या हम एक दूसरे से मिल सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, आप बताइए कब मिलना चाहते हैं? कल 5 बजे हम झील पार्क में मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। कल तो मैं बहुत सज धज के जाऊंगी, मुझे देखकर वो अपनी नजर ही हटा नहीं पाएगा। अगले दिन बहुत सज धज के चंपा उससे मिलने आती है। हेलो जी, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर लग रही है। शुक्रिया। राघव जी, आप क्या करते हो? जी, मेरा फैमिली बिजनेस है, विदेश से पढ़ाई खत्म करके अब मैं उस बिजनेस को संभाल रहा हूँ। अरे वाह, बिजनेस करता है मतलब पैसे वाला है, फिर तो मुझे बहुत सारी गिफ्ट मिलेगी। क्या हुआ कावेरी जी, क्या सोच रहे हैं? जी कुछ नहीं। अब आपके बारे में भी कुछ बताइए, मतलब आप क्या करते हैं? मैं सबको मदद करती हूँ,
मदद करते हैं मतलब? मतलब अगर किसी इंसान को मदद की ज़रूरत हो तो उसको मैं मदद करती हूँ। इसको आप सोशल वर्क भी कह सकते हो। ओह अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसा काम कोई नहीं करता। ये बात सुन के मैं आपको और भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। शुक्रिया, अब ये आप बोलना छोड़िए। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। क्या अब रोज मिल सकता हूँ तुमसे, ताकि हम दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सके? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी अच्छी लगेगी। ठीक है, चलो वहाँ बैठ के कुछ देर और बातें करते हैं। जी आज मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पास में ही एक कॉफी शॉप है, बढ़िया कॉफी मिलता है, तो कल हम वहाँ मिले। ठीक है, फिर कल कॉफी शॉप में मिलते हैं। उस दिन रात को जब चंपा घर लौट रही थी तो ड्राइवर मंटू ने कहा, मैडम आपने लड़कियां गायब होने की खबर सुना है? नहीं तो क्या हुआ, मुझे खुल के बता। अरे मैडम, कुछ दिनों से रात में कुंवारी लड़कियां गायब होते जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कोई भेस बदल के ये काम कर रहा है, ताकि उसके ऊपर कोई शक ना हो। तेरी बात सुन के मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन सिर्फ कुंवारी लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? पता नहीं मैडम, आप जरा देखिए कि मामला क्या है। ठीक है, मैं खबर लगाती हूँ। अगले दिन चंपा राघव से मिलने जाती है कॉफी शॉप पर। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, शुक्रिया राघव। अरे इसमें शुक्रिया किस बात की? अच्छा कावेरी, तुम्हें क्या पसंद है, मतलब तुम नॉन वेज हो या वेजिटेरियन हो? एक टाइम पर मैं नॉन वेज थी, लेकिन अभी मैं शाकाहारी हूँ। ओह अच्छा, मैं तो एकदम नॉन वेज हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। अच्छा मुझे अब जाना होगा, बहुत रात हो गया और ये शॉप भी अब थोड़ी देर में बंद होने वाला है। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, गांव का रास्ता है, आपको तकलीफ होगा। तकलीफ क्यों, अब हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया राघव, तुम बहुत अच्छे हो। फिर दोनों गाँव की तरफ बढ़ता है। चंपा मन ही मन में सोचती है, राघव कितना ख्याल रखता है मेरा, लगता है वो मुझसे प्यार करने लगा है। मुझे अब मेरी असलियत बता देनी चाहिए। जो भी हो, आखिर एक चुड़ैल से कैसे कोई इंसान शादी करेगा। ये सब सोच के चंपा अपने मन की बात बताने ही जा रही थी कि तभी उसके सामने जो हुआ उसे देखकर वो हैरान हो गई। आज फिर एक इंसान का शिकार करूंगा। उस चंपा की वजह से तो अब शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये प्रेम बुक का आइडिया तो बढ़िया चल रहा है। ये सब सुनकर चंपा गुस्सा हो जाती है। लालू तू, इसका मतलब मंटू जो कह रहा था वो काम तू कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो इसका सबक सिखा के ही रहूंगी। फिर वो अपनी असली रूप में आ जाती है। अरे ये क्या, चंपा तो यहाँ भी आ गई। हे भगवान, तेरे लिए तो हमारा जीना ही मुश्किल हो गया। अब ये प्रेम बुक का आइडिया तो गया पानी में। मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। याद रखना, तेरी शक्ल फिर कभी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है चंपा। ये बोलकर लालू वहां से चला जाता है। जब जिंदा थी तब भी धोखा मिली, अब चुड़ैल बन के भी धोखा मिली। लगता है ये प्यार तो मेरी किस्मत में है ही नहीं। उसके बाद लड़कियां गायब होने की घटना बंद हो गया और इस तरह
चंपा को प्रेम बुक से प्यार ना मिलने के बावजूद भी वो सबको मदद करने लगी।